हाँ सर। हेलो, हाँ प्रशांत सुन, अपना वो कफ परेड वाला जो 5-स्टार होटल है ना, हाँ बोलना। हाँ, वहाँ के मैनेजर से बात कर, मुझे वहाँ एक ब्यूटीफुल रोमांटिक डिनर प्लान करना है आज रात के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और तू खुद सुपरवाइज करना, मेक श्योर कि कोई कमी ना हो, इट हैज टू बी द एब्सोल्यूट बेस्ट, यू गेट दैट? शाबाश मेरे चीते, रोशनी को लेके आ रहा है? अरे डोंट वरी, मैं सारे इंतजाम कर दूं। अबे सुन तो ले यार, तू अपनी जल्दबाजी के चक्कर में मरवाएगा मुझको। ये डिनर रोशनी के लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर हर, इट्स नॉट सपोज टू बी अ सरप्राइज फॉर हर, उसको कुछ मत बताना, भनक पड़ गई मर जाऊंगा मैं। हाँ हेलो सेड, एक सेकंड। हेलो, नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ तू 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 खुद सुपरवाइज करना, जस्ट मेक श्योर एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, और तू रोशनी से बात मत करना यार, ठीक है? ओके 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 ओके, बाय 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 बाय। डिनर्स, फाइव स्टार होटल, रोशनी बहुत ही लकी है। विश रोशनी लकी होती, लकी ना सही, एटलीस्ट समझदार तो होती और अपनी माँ की बात तो सुन लेती। वो आई एम श्योर वो डिनर उसने प्रतिमा के लिए अरेंज किया है। कुछ कहा नहीं रेशम, जो कुछ तुमने मुझे अभी बताया है वो हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, समझ गई ना तुम? ठीक है। दीदी आपने बुलाया? हाँ, आई होप इट्स ऑल क्लियर। आपकी बार मालूम है ना क्या करना है? दीदी के आशीर्वाद से सब पता है मुझे। रोशनी बेटा, कल सुबह मिलते हैं 4 बजे, सरगी लेकर आएंगे हम। ठीक है, आपको पता मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, मेरा पहला करवा चौथ। लेकिन ना साथ साथ ना मुझे बहुत नर्वसनेस भी हो रही है, यू नो। अरे फिकर क्यों करती हो, मैं हूँ ना। और तुम देखना वक्त कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा, हंसते खेलते नाचते गाते वक्त चला जाएगा और चांद आ जाएगा। तू परेशान मत हो बस। ठीक है माँ, चलो मैं फोन रखती हूँ, कल सुबह मिलेंगे 4 बजे। उठ जाना। ओके माँ, बाय बाय। रोशनी चाचू, बेटा साइन करना है तुझे, सिग्नेचर तेरे चाहिए, ले फटाफट कर दे, फटाफट ये ले। सिद्धार्थ ने 2 रिंग्स खरीदी है चाचू, ये? ये गलत फाइल है, वो क्या है, डीडी के आशीर्वाद से ऑफिस में एम्प्लॉयज को डिस्काउंट मिला है ज्वेलरी खरीदने के लिए, तो ये गलत फाइल है, ये सही फाइल है, इस पर साइन कर दे जल्दी से। गुड गर्ल। Bye-bye. प्रतिमा, मुझे एक हेल्प चाहिए, मुझे मॉम के लिए शॉपिंग करनी है। तो रोशनी को क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? क्योंकि मैं प्रतिमा को लेकर जाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक, शाम को मिले। शाम को ठीक है, मैं सप्लायर्स के पास जाता हूँ, 6 बजे के आसपास मिलते हैं। ओके, सी यू।
एक्सक्यूज मी, सिद्धार्थ कुकरेजा किधर है? वो शायद कुछ काम से बाहर गए। ओके। लगता है सिद अपना फोन यहीं भूल गए। रोशनी बेटा, एक माँ अपनी बेटी के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती। जितने वक्त से कहने की कोशिश कर रही हूं, अब जाकर समझ आएगा तुम्हें कि सिद्धार्थ से शादी करके तुमने अपनी जिंदगी किस हद तक खराब कर ली। तुम दोनों की एक महीने की शादी को तोड़ने का वक्त आ गया। स्नेहा महिला संस्था, एक और झूठ। सिद्धार्थ क्यों कर रहा है ऐसा? क्या रिश्ता है उसका उस अनजान लड़की के साथ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही हूं, मैं ही सिद्धार्थ को गलत समझ रही हूं? वो ऐसा है तो नहीं। इट्स नॉट लाइक अदर मैन। जो भी हो, इस बात की डेप्थ तक तो मैं पहुंच गई रहूंगी। ओ मिसेस कुकरेजा, इससे बातें हो रही है? सेक्सी। अच्छा, तुझे ना डिनर पर जाना है। क्यों? क्योंकि तेरी नानी को 2 कॉम्प्लीमेंट्री पासेस मिले हैं 5-स्टार होटल के। वैसे भी कल तेरा करवा चौथ है, तू कुछ खा नहीं सकेगी। और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब इसके पैसे भी नहीं लगेंगे। तो मेरी मिडिल क्लास नातिन को इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और इस चैरिटी में से जो पैसे मिलेंगे ना, वो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाने वाले हैं, तो वो भी तुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक है, तो मैं सिद्धार्थ को फोन लगाती हूँ, जल्दी से तुम लोग जाओ। नहीं 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 सेक्सी, बिजी होगा वो। अरे कितना भी बिजी होगा ना, तो भी मेरा फोन देखेगा ना तो जरूर उठा लेगा। तुम अपना फोन यहीं भूल गए थे। तुम्हारे जाने के बाद रोशनी आई थी तुम्हें ढूंढते हुए। जब फोन रिंग हुआ तब पता चला कि मेरे टेबल पे रखा हुआ था। सिर्फ मुझे देखकर रोशनी ज़्यादा खुश नहीं हुई। मुझे लगता है कि हमें उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। वैसे भी आज नहीं तो कल सबके सामने ये बात आएगी, तब हम क्या करेंगे इसे? जब सबके सामने ये बात आएगी तो मैं कुछ कर लूँगा। प्रतिभा, मैं संभाल लूँगा, डोंट वरी। फिलहाल चले। हेलो, हाय नानी, कैसी है? सिद्धार्थ, तू ना जल्दी से घर वापस आ जा। मुझे 5-स्टार होटल के कॉम्प्लीमेंट्री पासेस मिले हैं डिनर के लिए, तो तुझे और रोशनी को डिनर पर जाना है। नानी माँ, आज नहीं, आज बहुत काम है मेरे पास, तो फिर कभी चला जाऊंगा मैं। अरे तू चिंता मत करना, दुर्गा को मैं बोल दूंगी। नहीं नहीं नानी माँ, आज नहीं, मैं फिर कभी पक्का आऊंगा, 100%। अच्छा ठीक है। क्या हुआ सेक्सी, मना कर दिया उसने? हाँ हाँ, बिजी होगा, तू चल। सेक्सी, अब सिद्धार्थ नहीं आ रहा तो मैं जाके क्या करूँ? क्यों, तू मेरे साथ डिनर पर नहीं जा सकती है? देख बेटा, तेरी शादी हुई उसके बाद बहुत दिनों से हम दोनों ने कोई क्वालिटी टाइम नहीं बिताया। और वैसे भी तूने बहुत दिनों से 5-स्टार का खाना खाया भी नहीं है। आज चल, हम दोनों डिनर करते हैं, ठीक है? मना मत करना, तुझे मेरी कसम, प्लीज। मैं तैयार होकर आती हूँ, तेरे साथ जाने तो खूबसूरत तो लगना पड़ेगा ना। ओके, आई जस्ट ड्रेस अप।
टैक्सी, मैं 2 मिनट में वॉशरूम होके आती हूँ। ओके। आज के खास दिन के लिए तुमने ये सब मेरे लिए किया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। कैसे नहीं करता, वो भी आज के दिन। रोशनी, अरे बेटा वॉशरूम तो उस तरफ है, तू यहाँ कहाँ जा रही है? सेक्सी, मैं 2 मिनट में वापस आ जाऊंगी, प्लीज प्लीज आप वापस। सच में? पक्का पक्का, जल्दी आना। आ रही। तुम यहाँ? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, इनफैक्ट मैं अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। अच्छा हो तुम मिल गई, कहाँ थी तुम? तुम यहाँ और तुम्हारे साथ वो लड़की थी ना? यहाँ वहाँ क्या देख रही हो, मुझसे ही बात कर रही हो ना? सिद्धार्थ, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे कमाल करती हो यार, खुद मजाक करती हो और मुझे कहती हो मजाक के मूड में नहीं हो। कौन सी लड़की की बात कर रही हो तुम, मैं तुम्हारे सामने अकेला खड़ा हूँ। मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ, वो तुम्हारे ऑफिस में जो काम करती है, प्रतिमा, मैंने तुम्हें उसके साथ देखा है सिद्धार्थ यहाँ पर। तुम कमाल करती हो रोशनी, कैसी बातें कर रही हो तुम? प्रतिमा मेरे साथ यहाँ यहाँ क्या करेगी यार? मैं तुम्हें और नानी को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। ओ, और तुम्हें कैसे पता लगा कि हम यहाँ आने वाले? रोशनी तुम भी ना आज के जमाने में कैसी बेवकूफाना बातें करती हो। ये देखो, जानती हो इस यंत्र को क्या कहते हैं? इसे सेल फोन कहते हैं। इसे आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसमें अगर आप नंबर मिला है ना तो किसी से भी बात कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग, यू नो। मैं जानती हूँ इसे फोन कहते हैं सिद्धार्थ। हाँ, अगर जानती हो तो फिर ऐसे बेवकूफाना सवाल क्यों पूछ रही हूँ? मैंने फोन किया नानी को और नानी माँ ने मुझे बताया कि तुम लोग यहाँ पे हो, तो मैं यहाँ चला आया। इतने सवाल क्यों पूछ रही हो तुम, शक करी हो क्या मुझ पे? अरे कमाल है यार, इसमें ये प्रतिमा कहाँ से आ गई इसमें? मुझे सच में लगता है ये जो करवा चौथ का टेंशन है ना, उसमें तुम थोड़ी स्ट्रेस्ड हो गई हो ज्यादा। आराम करना चाहिए तुम्हें। अरे सिद्धार्थ तुम यहाँ, तभी मैं सोचूं कि रोशनी मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। अरे नानी माँ, अच्छा हुआ कि आप आ गई। बताइए अपनी नातिन को कि मैंने आपको फोन किया था, आपने मुझे बताया कि आप लोग यहाँ पे, बताइए इसे। हाँ हाँ, पर मेरी बात सुने तब ना। अब तुम दोनों को भूख लगी है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, मुझे बहुत भूख लगी। हाँ नानी, come on, let's go and have dinner, चलो। हाँ हाँ, चलिए चलिए, मैं आता हूँ। नानी माँ, बड़ी कमाल की जगह वैसे सेलेक्ट करी है आपने डिनर के लिए। वेन्यू चूज करने में आपका कोई तोड़ नहीं। कुछ ज्यादा ही चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, क्या बात है मिस्टर? नहीं कोई बात नहीं है, बस अब आप ये लीजिए ना, ये डिश कमाल की है, यू मस्ट ट्राई दिस। तो यहाँ पहले आया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो डिश देख के बता सकता हूँ कि कितनी टेस्टी है। सब कुछ मुझे सर्व करेगा, रोशनी को कुछ नहीं देगा क्या? नहीं, सबको सर्व करूंगा मैं। नो थैंक्स। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर द हेल्प, गुड नाइट। रोशनी मेरी बात सुनो। एक कमाल है यार, बात तो कर लो मुझसे, मुंह तो मत फेरो मुझसे।
तुम्हें वाकई मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे तुम्हें तकलीफ हो? सिद्धार्थ, रात बहुत हो गई, सुबह जल्दी उठना है, मम्मी पापा को आना है, सो जाते हैं। अरे रोशनी, रोशनी, अरे रोशनी मेरी बात तो सुनो। खोल रहा हूँ। उठी रोशनी? उठी कि नहीं? अरे अभी तक सोई है रोशनी, उठ जा, उठ जा। मैं इतने अलार्म क्लॉक्स? अरे ये तो रोशनी का तरीका है, बचपन से लेकर आज तक उसके लिए सुबह में जल्दी उठना पॉसिबल ही नहीं। एग्जाम होती थी ना तभी भी ऐसे ही सोई रहती थी। एग्जाम्स के वक्त भी? पढ़ी लिखी भी है कि मुझे गोली देती रहती है। बेवकूफ बेवकूफ, उठा इसे। तू जा, मिस्टर और मिसेस कुकरेजा आए होंगे। जी बड़ी माँ, अभी देख कर आती हूँ। जल्दी से जाके दरवाजा खोल और तू अपनी बीवी को उठाने की कोशिश कर। तेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि बहू का पहला करवा चौथ है और देवी जैसे सोई पड़ी है। उठा इसे। रोशनी उठ जाओ, रोशनी, रोशनी आप ही उठाइए, मेरी तो सुनी नहीं रही है। रोशनी बेटा जाओ, रोशनी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उठाइए आपकी बहू को, उठाइए। अरे ये अभी तक सो रही है, उठाइए ना। रोशनी, 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 देखना उठी नहीं रही है। रोशनी, रोशनी बेटा, रोशनी बेटा, उठ जा बेटा, रोशनी बेटा। पागल है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ पापा। मैं तुम्हारा पति। बुआ, नानी, तेरी सास, मैं, तुम, तुम। मैं उठने में बहुत लेट हो गई क्या? I'm so sorry माँ। अरे कोई बात नहीं बाबा, मैं भी अपनी पहली करवा चौथ में ना ऐसे ही लेट उठी थी। भाई कमाल है, ऊपर वाले ने भी क्या कॉम्बिनेशन बनाया है। वो सास और बहू है दोनों एक जैसी है। परफेक्ट। जा जा के तैयार हो जा, फिर दोनों साथ में सरगी खाएंगे, ठीक है?